when we are talking about the umbilical artery, this will be taken as normal. In umbilical artery, this is normal. Forward strong, forward diastolic strong. Umbilical artery already, because fetus always is in a state of hypoxia. So therefore, umbilical artery, which is carrying the blood from the fetus to the placenta for the fetal-maternal exchange, it already is working at its maximum, at its full. Umbilical artery hamesha aapko aisi nazar aa rahi forward diastolic flow ke saath hame kuch tashweesh hogi if we will find the umbilical artery going like this or like this. Hum aisi umbilical artery nahi chahte. This is moving towards fetal distress, forward flow kam ho raha hai uske andar, decompensation shuru hui hai, aur jab forward flow gayab ho jayega, fetus will go into distress. To main repeat karu, normally fetus is in a state of hypoxia, but its brain is not. Normally fetal umbilical artery is pushing the blood at its foot, and when there is decompensation due to any reason, maternal hypertension, preeclampsia, whatsoever, we will see that the systolic and the diastolic phases, inke darmiyan farq zyada hona shuru hoga. Diastolic fall hogi, flow kam hona shuru ho jayega, and eventually we will see markedly increased systolic diastolic ratio. Agar pehle ye se, for example, isme peak systolic is 56 and end diastolic ye jo aapko ye nazar aa raha hai is 25, so ratio is around 2.2, something like that. Systolic divided by that is 2.2. अब यहाँ पर हमने देखा कि चेंज होना शुरू हुई है. अब सिस्टोलिक इज 41, डायस्टोलिक इज 50 और रेशियो क्या आ गई 2.6. ये बढ़ रही है. यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें इस जगह के ऊपर, तो अब जो रेशियो है तो बहुत ज़्यादा है. ये से फॉर एग्जांपल अगर ये कोई 50 के करीब है तो ये हार्डली 10 है और मे बी लेस, तो रेशियो 5 से भी ज़्यादा हो. तो लिहाजा ये जो अम्बलाइकल आर्टरी की है ये कैफियत ये शो करेगी कि फीटल्स इज गोइंग इन टू distress. This is fetal distress, and when there is reversal of diastolic flow, this again is even more severe. Ye zyada severe fetal distress hai. When we see such pulsatile flow in the umbilical artery, on the other hand, when we see the middle cerebral artery, which normally is such that systolic is say here 53 and the end diastolic is 11, so iski ratio kya aayi takriban 5, which will be taken as normal. मिडल सर्बल आर्टरी के लिए ये फ्लो नॉर्मल है. इसका मतलब है कि फीटर्स जो है, और चूंकि सबसे पहले डिमांड अगर फीटर्स डिस्ट्रेस पे जाएगा तो पहली डिमांड किधर से आएगी, ऑफ मोर ब्लड एंड मोर ऑक्सीजन वो ब्रेन में से. तो सबसे पहले आपको ये चीज़ उसमें नज़र आएगी.
ये काइंडली ध्यान में रखें कि अम्बिलिकल आर्टरी विल स्टिल बी कंपनसेटिंग फॉर दैट, वो उस कोशिश में होगी कंपनसेशन की। आपको अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो अभी भी नॉर्मल मिल रहा होगा, फॉरवर्ड डायस्टोलिक फ्लो मौजूद होगा, लेकिन ब्रेन के अंदर आपको डायस्टोलिक फ्लो बढ़ता हुआ नजर आएगा लाइक दिस। एंड हियर यू कैन अप्रिशिएट दैट मोर ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द सेरिब्रल आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज, और ये इसकी जो रेशो आप देख रहे हैं 62/229, ये ऑलमोस्ट 2 है। तो ये जो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट है ये क्या शो कर रहा है, कि फीटस इज इन डिस्क। जब हेड एंगेज हो जाए पेल्विस में डीपली तो नॉर्मली ये हो सकता है, जब नियर टर्म है फीटस, नियर टर्म है तो उस वक्त हमें फॉरवर्ड डायस्टोलिक फ्लो नियर टर्म, नॉट एंगेजमेंट, इवन बिफोर एंगेजमेंट, हमें नियर टर्म मिडल सेंट्रल आर्टरी की सप्लाई फॉरवर्ड डायस्टोलिक फ्लो ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं होनी चाहिए। हमने उसको डिवाइड किया हुआ, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट, कि हम इसमें एक पैरामीटर जो निकालते हैं रेजिस्टिविटी इंडेक्स का, विच नॉर्मली इज मोर दैन और अराउंड 0.8, एंड एट टर्म वी वुड लाइक टू सी द रेजिस्टिविटी इंडेक्स अराउंड 0.7, इंडिकेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो। जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंडेक्स होता है उतना कम फॉरवर्ड डायस्टोलिक फ्लो होता है, जितना कम रेजिस्टिविटी इंडेक्स होता है उतना ज़्यादा फॉरवर्ड डायस्टोलिक फ्लो होता है। तो 0.8 अगर रेजिस्टिविटी इंडेक्स है अराउंड दैट, तो दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से स्टार्टिंग फ्रॉम 28 वीक ऑनवर्ड, एंड देन एट टर्म अगर वो 0.7 के अराउंड है दैट ऑल्सो विल बी टेकन एज अराउंड के 0.72 है या 0.68 है ये। लेकिन अगर वो 0.6 से नीचे चला जाता है रेजिस्टिविटी इंडेक्स, यानी बहुत कम हो जाता है, इसका क्या मतलब है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर फॉरवर्ड फ्लो बहुत बढ़ गया, तो वो हम एब्डोमिनल वो हम कंसिडर करेंगे एज डिस्ट्रॉय। मैकेनिकल प्रेशर का यानी इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, नॉट एट ऑल, नहीं 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 जी। और ब्रेन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो आती है वो हमारे को ज्यादा कर दे, बाकी प्राणी अगर सीरियस किया ऑक्सीजन में जाली तो बेहतर आती है, अम्बिलिकल आर्टरी उसमें फ्लो कम होता है उसको डिलीवरी। देखिए जब आप फ्लो कम कह रहे हैं वो डीकम्पनसेशन है, वो फेलियर है, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फीटस इज इन अ स्टेट ऑफ, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में, फीटल हार्ट रेट ज़्यादा क्यों होता है, और आफ्टर डिलीवरी उसका हार्ट रेट एकदम कम हो जाता है। लेकिन ये आपने कभी नहीं भूलना कि फीटस ऑलवेज इज इन अ स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया, और इस वजह से अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो अपनी फुल पे फुल थ्रॉटल पे जा रहे हैं, इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, ये कभी नहीं आपने बोला। जबकि ब्रेन के अंदर आपने 4 आर्टरीज दे के पेशेंट और बेहतरी की गुंजाइश रखी। ये मैंने आपको एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाई, और ये आप देख रहे हैं चले ठीक है कर लेते हैं। हाँ ये ब्रेक कह रहा है ब्रेक जल्दी आ दूर से भी आते हैं ना लोग।
Yeah.